बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम एक एरिया के क्वेश्चन से खेल रहे थे बच्चों के साथ, एंड किड्स वर ग्रेड 2 एंड 5, राइट। दो ही बच्चे थे, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 5, और मैंने उन्हें सवाल ये दिया कि बच्चों इसका एरिया निकालना है आपने, ठीक है। और ऑब्वियसली इट्स स्लाइटली अबव, क्लास 2 का बच्चा ये कैसे निकालेगा, और उसको तो एरिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और क्लास 4-5 वाला हमारे जो मतलब स्कूल सिस्टम जिस तरह है उसको कांट, ऑब्वियसली कांट। सो हमने जो सफ़र 1.5 घंटे में तय किया, ये एक्चुअली ग्रेड 8 का सवाल बनता है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा इन नेक्स्ट 5-7 मिनट्स, वट एवर इट टेक्स। हमने ये किया कि जी इसका एरिया निकालना है ना, तो लेट्स सी इट इन ऑन बॉक्सेस। लेकिन हमने एनालॉजी ये ले ली कि जी बच्चों हमने एक घर बनाना है, अ होम, जिसके 3 कमरे हैं, ठीक। तो आप एक होम डिज़ाइन करें, लेकिन कमरे साथ साथ होने चाहिए, ये नहीं कि एक कमरा इधर एक कमरा। बच्चे दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, दिस इज प्ले। और उन्होंने ज़ाहिर है ऑब्वियसली ऐसे भी डिज़ाइन किया, उन्होंने सीधा भी डिज़ाइन किया, उन्होंने एल शेप भी डिज़ाइन किया, ठीक है। तो दे केम अप विद ऑल डिफरेंट आइडियाज़, उन्होंने ऐसे ऐसे करके भी डिज़ाइन किया कि जी ऐसे भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन चूंकि साथ टच होने चाहिए तो दैट वॉज ओनली रूल। दे केम अप विद मैनी डिफरेंट एंड दे इन्जॉयड दिस प्रोसेस एज वेल। हमने फिर इस क्वेश्चन को और आसान किया कि ओके लेट्स गो डाउन एंड लेट्स टेक ओनली, छोटा घर बनाते हैं, होम विद 2 रूम्स। अब होम विद 2 रूम्स वर इवन ईजियर, बट एक्चुअली इट वॉज मोर चैलेंजिंग कि आपके पास कॉम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा नहीं बनते, लेकिन चिल्ड्रन केम अप विद दिस आइडिया कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और मैं अपना घर ऐसे भी डिजाइन। अब इससे एक डिज़ाइनिंग आइडियाज, एक डूडलिंग, एंड दे इन्जॉयड द प्रोसेस इज वेल। अब इससे अगला सवाल था कि बच्चों अब मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा घर जो है वो 1 कमरे का होना चाहिए, 1 रूम, तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज आई कैन डू दिस। अब जो एक होता है ना, इंसान सोचना नहीं चाहता होता, सोचने का अमल ज़ाहिर है थोड़ा सा रिग्रस है, और आदत ना हो तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो बच्चों ने कहा कि अंकल इसका तो कोई तरीका नहीं है। मैंने कहा नहीं, तरीके इसके अनलिमिटेड हैं। तो ये मैंने आपको क्लू बता दिया है कि इसके तरीके अनलिमिटेड हैं। तो उन्हें पता है कि जब व्हेन अंकल इज सेइंग कि अनलिमिटेड तरीके हैं, तो फिर तो बहुत ही तरीके होंगे, तो वी कैन फाइंड आउट ईजीली। तो ये बिलीफ है ना कि नहीं, यू कैन फाइंड आउट मैनी डिफरेंट वेज। तो उन्होंने, यू कैन इमेजिन, आई कुडंट इवन इमेजिन कि वो इतनी जल्दी प्रॉम्प्ट कर लेंगे विदाउट माई कोक्सिंग इन टू दैट प्रोसेस, बट दे स्टार्टेड वर्किंग विद दैम एंड इवेंचुअली केम अप विद के जी ये अंकल ये तो फिर ये होगा। दिस वॉज द फर्स्ट आंसर द केम। मैं कि कैसे, कैन यू एक्सप्लेन दिस? कहता हाँ अंकल ये देखो, आधा इधर से मैंने लिया, आधा इधर से लिया, तो आधा और आधा एक हो गया। दैट वॉज द जम्प। एंड देन दे स्टार्टेड विद वट एवर दे कुड डू विद दोस, आपकी दिस इज ऑल्सो वन, दिस इज ऑल्सो वन। तो इस गरीब आदमी के लिए भी दे सेड कि अब these how many rooms was actually the area, my area of this room is 2, my area of this room is 3, and the understanding ki area hai, and then we started talking terms ke ab aisa ghar banao jiske area 4 ho, and started making it, but this was a twist. Next phir ye hua ki aapne iska matlab ye hai ki bachcho is tarah apne ghar aadha kar liya ki ye aadha hai, can I? Yes it is. So this gave us another twist ki iska matlab ye hai ki aapne इसके एरिया को आधा कर सकते हो। तो कहते हैं यस, इसका एरिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड वी कैन हाफ इट, दिस इज 3। सो फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर एरिया दे वर एबल टू हाफ इट बाय डायगोनल्स। अब इसको हमने रिवर्स करना शुरू कर दिया, दैट वाज द नेक्स्ट कि ओके फिर ये बताओ कि अगर मैं आपको कहूं कि इसका कितना एरिया है, तो बच्चों को समझ आ गया कि वो जिस तरह किए थे, ओके लेट मी कंप्लीट इट। अगर ऐसे होता तो 3 होना था, ये चूंकि उसको आधा काटा हुआ है तो ये 3 है। अब फिर हर एक पे हमने 2-2 क्वेश्चन किए। दे अंडरस्टूड थे कि अंकल इससे ज़्यादा चैलेंजिंग सवाल दें, दे वर यूजिंग द वर्ड ट्रिकी, अंकल नहीं, ट्रिकियस्ट। सो नाउ दे कुड डू इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, द टोटल जर्नी वॉज 1.5 आवर विद वेरी ईजी पेस, एंड बिकॉज आई वर डूइंग माई ओन वर्क एज वेल। हाफ से फुल उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब मैंने उनको मुख्तलिफ सवाल देता था कि यार इसका एरिया निकालो, और बच्चे फौरन उसको फिल करते थे, टक 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 टक, 1, 2, 3 दिस। एंड आई वाज एक्चुअली सेइंग कि जी काफ़ी है यार आज के लिए, तो कहते नहीं अंकल ट्रिकी फर्द गो। तो आगे चले गए, आगे जब गए तो हमने वहाँ तक पहुँचना था,
ठीक है, तो मैंने उन्हें कहा कि चलो फिर ऐसे करो, कैन यू थिंक ऑफ कि मैं आपको एक, अब इंसान सवाल पजल से सीखता है, कि मैं आपको एक डब्बा दूं, राइट, एंड देन वी गॉट अ पेपर एक्चुअली, तो इसको आप हाफ कर सकते हो, लेकिन फिगर जो हाफ करनी है ना वो भी होनी स्क्वेयर ही चाहिए, मेक अ स्क्वेयर इनटू अ हाफ स्क्वेयर। अब चूंकि वो ढेर सारी मैनिपुलेशन कर चुके थे तो मुझे थोड़ा सा ख्याल था कि ये थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा एंड मेरी जान छोड़ देंगे, चले जाएंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन चिल्ड्रन डिड केम अप विद दिस आइडिया कि अंकल अगर कोई भी लेते हैं आप स्क्वेयर तो वी कैन डू इट लाइक दिस। तो मैं क्या, कैन यू एक्सप्लेन इट, कहते यस बिकॉज दिस इज हाफ ऑफ इट, दिस इज हाफ ऑफ इट, दिस इज हाफ ऑफ इट, दिस इज हाफ ऑफ इट। सो नाउ दे न्यू कि इफ यू कट फ्रॉम डायगोनल्स दिस इज हाफ। वी टुक द नेक्स्ट ट्विस्ट, नेक्स्ट पजल, क्या हमने कहा ठीक है, एक बंदा है उसके पास ऐसा घर है तो वो कहता है कि मैंने इसको डबल करना है, पहले तो आपने हाफ किया था, कैन यू डबल इट, लेकिन वो घर उसको द शेप ऑफ द एरिया ही वॉन्ट्स टू स्क्वेयर। बच्चों ने कहा ये भी सोचते हैं, अनदर 10 मिनट्स, राइट, एंड दे वर एबल टू, ये उन्होंने पेपर से किया और कागज़ पे भी किया, उन्होंने कहा ये तो ये आधा है ना, तो इसको आधा बाहर एक्सपैंड कर लो, इधर एक्सपैंड कर लो, क्योंकि ये आइडिया उन्होंने असली में पिछले आइडिया को रिवर्स इंजीनियर किया। हम बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, दिस वर्थ इट। अब आप ये सवाल किसी एडल्ट को, बच्चे को, 8वीं के को दे के देख लें कि बच्चे इसका आपने हाफ करना है लेकिन स्क्वेयर ही रहे, एंड यू हैव टू प्रूव इट इज स्क्वेयर, यू कैन एक्सप्लेन इट, या इसका आपने डबल करना है एंड यू हैव टू प्रूव दैट इट, ये डबल आपने एग्जैक्ट किया है। इजी सवाल नहीं है, लेकिन पजल सोचने पे मजबूर करती हैं, दे आर फन एंड दे मेक यू थिंक। एक ट्विस्ट हमने और किया कि बच्चों ये देखो कि अगर मैं एक लंबी सी शक्ल बनाता हूं तो आप इसको एरिया कैसे मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इस साइड पे दो चीजें हैं और इस साइड पे 1 2 3 4, तो इधर 2 तो इधर 4, तो ये 2 2 4 8, तो कितने डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, या मिसाल के तौर पे इधर 3 डब्बे हैं और इधर 4 हैं, या आई कैन काउंट कितने हैं, तो 1 2 3, और इधर कितने, 1 2 3 4, तो 3 4 12, तो टोटल 12 हुए ना, तो उन्हें पता चल गया कि ये डब्बे गिनने की भी ज़रूरत नहीं होती व्हेन द शेप इज़ लाइक दिस। तो इसका मतलब है ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये एरिया होता है, सो जिसको हम नंबर्स में मल्टीप्लीकेशन कहते हैं उसको हम शेप्स में एरिया कहते हैं। तो दिस वॉज अ बिग जंप एंड वी वर डन। एंड फिर बच्चे इस लेवल पे आ गए कि जी फिर इसका एरिया, इसका मतलब ये है कि ये जो शेप है इसमें से मैं ये एरिया बाहर भी निकाल सकता हूँ तो मेरे पास वापस ये एरिया बच जाएगा। एंड इन 1.5 आवर चिल्ड्रन वर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जस्ट बाई प्ले, कि जी इसका एरिया क्या है, विच इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन बाई एनी स्टैंडर्ड। लेकिन क्लास 2 का बच्चा इंडिपेंडेंटली ये इसको कर रहा था एंड ही वॉज चैलेंजिंग मी कि अंकल आप मुझे कोई ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन दें, ठीक है जी। तो दैट इज हाउ इजी इट बिकम्स इफ यू इन्वॉल्व देम एंड एंगेज देम एंड लेट देम थिंक एंड लेट देम इंजॉय। उन्हें एरिया का मीनिंग सीख लिया है, अभी ये इनएग्जैक्ट है, हमें पता है कि अब उन्हें पता है इतने डब्बे, अब डब्बे मिलीमीटर के भी हो सकते हैं, इंच के भी हो सकते हैं, फुट के भी हो सकते हैं, मीटर के भी हो सकते हैं, किलोमीटर के भी हो सकते हैं, तो वो उन्हें पता चलेगा एग्जैक्ट इसको व्हाट कहना क्या है। वो अब उसकी एग्जैक्टनेस ऑफ लैंग्वेज है कि इट्स हाउ मच इज एन एरिया। अब वो कहते हैं 4 बॉक्सेस, कल वो कहेंगे 4 इंच स्क्वेयर, बट दे वर कॉलिंग इट स्क्वेयर्स। तो 4 इंच स्क्वेयर मीन्स के वट इज द साइज ऑफ द बॉक्स, 4 मिलीमीटर स्क्वेयर और सेंटीमीटर स्क्वेयर और किलोमीटर स्क्वेयर। एंड उन्हें ये पता है कि ट्राइंगल इट्स हाफ ऑफ दैट, उन्हें ये पता है कि दे कैन डू टू बिग पजल्स, कि हाउ कैन यू हाफ अ स्क्वेयर इन टू स्क्वेयर, हाउ कैन यू डबल स्क्वेयर इन टू स्क्वेयर, और वट वी आर नेक्स्ट इंटेंडिंग टू डू इज, हमने ऑलरेडी उन्होंने कहा कि जी हम तो ए कैसे कर सकते हैं, तो वी सेड कि ओके एक पत्ता लेके आएंगे उसका भी एरिया करें और अपने हाथ का भी एरिया करें, एंड वट इज एरिया ऑफ माई बॉडी एंड एट्सेट्रा। तो आगे फिर हम कर्व शेप का भी एरिया उसी तरह ही करना है, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम है ना, इसको रखेंगे कितने डब्बे ये कवर करता है, सिंपल, और इसको रखेंगे कितने डब्बे ये कवर करता है, एंड वी विल रीच देयर, वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ इवन अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क का एरिया मालूम कर सकते हैं। अब बच्चों को कुछ पता नहीं है कि एरिया का मतलब क्या है। सो दैट इज द जर्नी एंड इट टुक अस 1.5 आवर एंड Grade 2 guy reached Grade 8 guys just because he was enjoying the process.